रेनु रे। सो दोस्तों आप देख सकते हो बड़े सारे घाट पीछे जा रहे हैं, पीछे क्रिमेशन वाला घाट भी गया है। मतलब एक बारी कहा जाता है जो एक बारी बनारस आ गया ना, वो जन्म और मृत्यु वाला जो चक्र होता है उससे फ्री हो जाता है, उसको मतलब मोक्ष मिल जाता है, ऐसा मैंने सुना है। क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है, क्या ब्यूटीफुल लाइट्स हैं, दिस इज नेक्स्ट लेवल यार। मेरे को एक्चुअल में नहीं पता था कि बनारस इतना सुंदर है यार। दोस्तों वैसे तो आप चाहो तो घाट्स पे बैठ के आप वो एक्सपीरियंस भी एक इन्जॉय कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक लग्जीरियस एक्सपीरियंस इन्जॉय करना चाहते हो तो अलकनंदा क्रूज है ये, ज़रूर करना, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी फील आ रही है। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सारे, मैं समय आनंद करने आया हूँ दिल से दिल की बात। लेट्स गो फॉर दिस वर्चुअल जर्नी साथ साथ। दोस्तों जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, हम आज आए हुए हैं वाराणसी में, आपको करवाने लेके आए हैं एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस, एक बहुत ही नायाब एक्सपीरियंस। हमारे पीछे है अलकनंदा क्रूज, काफ़ी फेमस क्रूज है ये, और सितंबर 2018 में चालू हुआ था, बनारस का पहला क्रूज है ये, बहुत मज़ा आता है, सारे 64 घाट्स पे लेके जाते हैं। इवनिंग मतलब एक राइड होती है बहुत ही शानदार, अंदर काफ़ी सारी चीज़ें खाने के लिए भी मिलती हैं, स्नैक्स वगैरह भी मिलते हैं, चाय कॉफ़ी, तो आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। बाकी अपर डेक भी है, लोअर डेक भी है, काफ़ी मज़ा आएगा इसमें, तो चलो अंदर चलते हैं। 1.5 घंटे का क्रूज़ है, आपको सारी डिटेल देते हैं अंदर चल के एंड काफ़ी मज़े करते हैं। बाकी मम्मी भी मेरे साथ आई हैं, अंदर आपको मिलवाता हूँ। सो दोस्तों ये जो क्रूज़ है इसका नाम है अलकनंदा क्रूज़, 5:30 बजे ये क्रूज़ चालू हो जाता है एंड इसका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 5 बजे है। सो फ्रेंड्स ऑल सेट, टाइम टू क्रूज़ इन वाराणसी, बहुत ही नेक्स्ट लेवल फील आने वाली है, तो लेट्स गो, आ जाओ, कम ऑन फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये देखो, ये रहा ये क्रूज़ का नंबर दिखा है, लोग पहुंच चुके हैं नीचे हैं एंड ये मम्मी कुछ बातें कर रही हैं। हाय मम्मी, हेलो। सो ये रहा पूरा क्रूज, ऑल सेट। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 5 बजे यहाँ का रिपोर्टिंग टाइम है। सो आप ये देख सकते हैं क्रूज में जितने भी लोग हैं जिन्होंने बुकिंग करी है सारे ऑन टाइम पहुंच चुके हैं। सो दोस्तों ये दे हैव गिवन यू कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी एंड बिस्किट, थैंक यू। फ्रेंड्स जो कॉस्ट है इसका पर पर्सन, उसका प्राइस है 1000 रुपीज़। सो हमने 2K पे किया है मैंने और मम्मी ने इस ऑसम एक्सपीरियंस के लिए। दोस्तों क्या आपको पता है ये पहला क्रूज़ है जो गंगा में चल रहा है वाराणसी में, फर्स्ट एवर लग्जूरियस क्रूज़, तो काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया फील आती है, 1.5 घंटा बहुत बढ़िया मज़ा आने वाला है। 84 घाट्स में आपको आरती के शॉट्स भी दिखेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें और दिखेंगी, लाइटिंग वगैरह जब जल जाएगी बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। दोस्तों अनाउंसमेंट चालू हो गई है, लाइफ गार्ड वगैरह सब कुछ है, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉयज व अन्य उपकरण उपलब्ध हैं। सभी यात्रियों के लिए लाइफ गार्ड के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। सुझावों के लिए विजिटर बुक क्रूज पर उपलब्ध है। तो सारी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं। शिव ने 64 योगिनियों को देवदास को भ्रमित कर सुशासन में दुखी पुनर बना, धर्म और संस्कृति की पूंजी से काशी की इस पावन धरा को समृद्ध किया है। दोस्तों आप देख सकते हो मोदी जी भी आए हैं इसमें, इस क्रूज में काफी फेमस आ रही है। तो दोस्तों टाइम ऑलमोस्ट 5:30 हो चुका है, 5:30 स्टार्ट हो रही है, और पहले कुछ प्रेजेंटेशन इन्होंने शॉट्स वगैरह दिखाए हैं अब हमें, है ना। मतलब सही है, बाकी अब थोड़ा अंधेरा हो गया, अंधेरे में अब चालू होगा, बाकी ऊपर चलते हैं आपको कुछ शॉट्स दिखाते हैं। एंड अच्छा दोस्तों अगर आप इसको बुक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, 60 सीट्स ये यहाँ पे, तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हाँ येलो लाइट्स वगैरह ऑन कर दिए एंड अब वाइब पूरी चेंज हो चुकी है, इसके एंड क्रूज चालू हो चुका है। वाराणसी आ रहे हो तो क्रूज यू मस्ट ट्राई विदाउट अ सेकंड थॉट, अमेजिंग, डेफिनेटली गाइस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बाकी ऊपर जाके और भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। क्रूज बस स्टार्ट हो चुका है ऑन टाइम, 5:30 जो टाइम है स्टार्ट हो चुका है एंड ये हिलना चालू हो गया क्रूज मूवमेंट, वाओ। सो दोस्तों नीचे पहले आपको ये चाय कॉफ़ी सर्व करते हैं, एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं वाराणसी के बारे में एंड फिर आपको लेके आ जाते हैं ये ऊपर। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी ये बेस्ट जगह है, यहाँ से जो व्यू दिखने वाला है ना अभी आप कहोगे बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ऊपर पूरा सिटिंग अरेंजमेंट भी है तो आप चाहो तो आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स यहाँ से आपको पूरे के पूरे 84 घाट जो हैं वो सारे के सारे दिखने वाले हैं। बाकी दोस्तों मेरे को नहीं पता था ये इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है क्रूज का।
हम भी फर्स्ट टाइम ये वाराणसी में क्रूज कर रहे हैं एंड बहुत ही शानदार लग रहा है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सारी की सारी जगहें दिखाने वाले हैं, सारे के सारे घाट दिखाने वाले हैं, कुछ हम अपनी बातें भी करेंगे एंड दोस्तों आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, अगर ये आप बुक करना चाहते हैं तो पहले ही इसको आप बुक कर लीजिए, बिकॉज़ ये ऑलमोस्ट सोल्ड आउट ही होता है एवरी डे। हमने भी जो इसकी बुकिंग करवाई थी वो हमने एक हफ्ता पहले करवाई थी। बाकी प्राइसिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसकी प्राइसिंग जो है वो 1000 रुपीज़ पर पर्सन है। बाकी पीछे जैन घाट चला गया है एंड अभी आगे और भी बहुत सारे घाट आने वाले हैं, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है अभी आगे। बाकी फ्रेंड्स इस सीरीज़ में हमारे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिसमें आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है बनारस के बारे में। तो यहाँ से आपको सारे ये सारे जितने भी घाट्स हैं वो दिख रहे हैं, सब आगे ऊपर खड़े हुए हैं, ऊपर से बहुत ही क्रेजी नज़ारा है, क्रेजी व्यू है, बोट्स वगैरह चल रही हैं, रात को बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है ये चीज़। तो यू मस्ट ट्राई दिस, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी प्लेजेंट हवा चल रही है, ऐसे लग रहा है कि यू नो मजेदार है, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्लिसफुल, यू मस्ट कम एंड विजिट दिस प्लेस, इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल। गाइस मम्मी ने 10 बार ही बोल दिया यू मस्ट कम एंड विजिट, मतलब एक्चुअली मैं बहुत अमेजिंग है, पीछे मेरी मम्मी, गंगा मम्मी और काशी में, मतलब इट इज सुपर नाइस। बाकी आपको यहाँ के शॉर्ट्स वगैरह और दिखाते हैं, मजा आ जाएगा आपको। दोस्तों ये जो सामने घाट आप देख रहे हो यहीं पे होती है यहाँ की फेमस गंगा आरती। सो होता क्या है कि आपको सारे के सारे जितने भी घाट से पहले वो सारे दिखाते हैं एंड फिर गंगा आरती के टाइम पे आपको यहाँ पे लेके आते हैं। तो आगे वीडियो में अभी आप ये सारी चीज़ें भी देखने वाले हो एंड बहुत मज़ा आएगा। बाकी दोस्तों बहुत ही एक पवित्र जगह है बनारस, आप अगर यहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं तो आप सबको कहूँगा बिल्कुल जितना जल्दी हो सके जाएं, बहुत ही सुंदर जगह है एंड आपको बहुत ही आनंद आएगा इस जगह पे जाके। बाकी चलो दोस्तों अब आपको पूरी की पूरी फील दिखाते हैं यहाँ पे कैसी फील हमें आ रही थी एंड कैसे हमने इंजॉय किया। नेक्स्ट लेवल फील है, नेक्स्ट लेवल वाइब है, क्रेजी, मतलब क्रेजी क्रेजी। वाराणसी आके मेरे को नहीं पता था कि क्रूज एक चलती है, मम्मी ने बताया एंड गॉट अ फीलिंग यार, दिस ऑसम। साथ में मतलब गंगा पे आप घूम रहे हो एंड वाओ यार वाओ, दिस अ वाओ मोमेंट यार, मतलब वो है ना सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ वाओ, ये वही वाओ है। सो दिस इज ऑसम, आपको आना चाहिए यार, फैमिली के साथ आ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी आ रहे हो ट्राई जरूर करना, मज़ा काफ़ी आएगा। दोस्तों अब आप आवाज़ सुनो होली रिवर गंगा की, कितनी प्यारी आवाज़ है एंड कितना सुकून है यहाँ पे। दोस्तों ये जो क्रूज़ है ये सारे मेजर घाट्स जितने भी आते हैं बनारस में सारे के सारे कवर करता है, जितने भी गंगा रिवर पे आती है ना चीज़ें सारी बहुत ब्यूटीफुली कवर करता है। तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, काफ़ी बढ़िया फील आ रही है, मतलब आप देखो वाह यार। मैं पीछे वाली साइड आ गया हूँ, आगे थोड़ी सी लोग ज़्यादा थे, भीड़ हो गई थी इकट्ठी, तो मतलब बढ़िया व्यू नहीं मिल रहा था आपके लिए, जहाँ से ना अच्छा स्पॉट हो एंड अच्छा व्यू हो। तो यहाँ से आप देखो मेरे पीछे कितनी ब्यूटीफुल, लुक एट दिस यार, क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है, क्या ब्यूटीफुल लाइट्स हैं, दिस इज़ नेक्स्ट लेवल यार। मेरे को एक्चुअल में नहीं पता था कि बनारस इतना सुंदर है यार, मतलब मैं उदयपुर गया था लास्ट टाइम, आपने आई होप हमारी उदयपुर वाली सीरीज़ देखी हो, उसमें मैं कह रहा था उदयपुर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट इवनिंग में शाम को यहाँ पे वेदर इज़ ऑल्सो वेरी प्लेजेंट एंड वाइब, तो आप देखो ब्यूटीफुल। सो दोस्तों वैसे तो आप चाहो तो घाट्स पे बैठ के आप वो एक्सपीरियंस भी एक इन्जॉय कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक लग्जीरियस एक्सपीरियंस इन्जॉय करना चाहते हो तो अलकनंदा क्रूज़ है ये, ज़रूर करना, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी फील आ रही है, बहुत ही मतलब बढ़िया यार, इतनी बढ़िया लाइटिंग एंड इतना बढ़िया मेरे को स्पॉट मिल गया ना, मतलब लोग आगे जा रहे थे किसी ने रियलाइज़ नहीं किया पीछे भी अच्छा स्पॉट हो सकता था, दिस इज़ अ परफेक्ट स्पॉट, ऐसा लग रहा है मैंने और मम्मी ने जैसे हमने उदयपुर में क्रूज़ किया था वो एक अलग फीलिंग थी, सनसेट देखा था लेकिन इतनी ब्यूटीफुल लाइट्स एंड बता नहीं सकता यार, दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है यार। सो दोस्तों आप देख सकते हो बड़े सारे घाट पीछे जा रहे हैं, पीछे क्रिमेशन वाला घाट भी गया है, मतलब एक बारी कहा जाता है जो एक बारी बनारस आ गया ना
वो जन्म और मृत्यु वाला जो चक्र होता है उससे फ्री हो जाता है, उसको है ना मोक्ष मिल जाता है, ऐसा मैंने सुना है। सो आई डोंट नो, बट जगह बहुत ब्यूटीफुल है यार, आगे जो पॉजिटिविटी मिल रही है ना, नेक्स्ट लेवल। शिव जी की नगरी में आपको पता ही है, शिव जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। कहाँ है मेरा त्रिशूल? ये रहा, मेरा त्रिशूल छुपा हुआ है। तो आ गए हम काशी शिव जी की नगरी में, बहुत ही ब्यूटीफुल यार, मज़ा आ गया। तो अलकनंदा क्रूज़ है, इसको स्टार्ट किया था नॉर्डिक कंपनी ने, जो कोलकाता की एक स्टार्टअप कंपनी है, काफ़ी बढ़िया, उनकी वजह से हम सारे आज ये एक्सपीरियंस एंजॉय कर पा रहे हैं। सो थैंक यू नॉर्डिक कंपनी। ये देखो गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल फील आ रही ही है, लाइटिंग बड़ी शानदार लग रही है। हेलो मम्मी, हेलो, व्हाट अ फीलिंग, दिस लैंड मजा आ रहा है, एंजॉय मायसेल्फ, व्हाट हेल्प कैन आई आस्क फॉर, वाओ व्हाट अ फील यार। देखो यार, ये हमारा बनारस कितना सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, शहर है, होली रिवर गंगा के साइड, मज़ेदार यार। शाम को ठंडी ठंडी ब्रीज एक चल रही है ना, एक वो कहते हैं ना पॉजिटिव हवा, हल्की हल्की लगती हुई जा रही है, पॉजिटिविटी अपनी देती हुई जा रही है, और क्या चाहिए यार लाइफ में। क्यों मम्मी? मैं जिस ऑरा को ढूंढ रही थी वो ऑरा यही है। तो दोस्तों, थोड़े बाल बाल खराब हो चुके हैं, तो मैंने कहा वॉशरूम की तरफ आते हैं, एंड वॉशरूम की तरफ आने से मेरे को याद आया, यहाँ पे बायो टॉयलेट से क्या होता है, मोस्टली इन्फेक्शन वगैरह नहीं होती, एंड काफ़ी इट इज़ मच मोर क्लीनर एंड नीटर, तो सही है यार, वॉशरूम्स वगैरह काफ़ी सही है। दोस्तों ये देखो, ये इनकी पैंट्री है, खाने पीने का सामान भी है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया है। बाकी फ्रेंड्स ये देखो, ऐसी वाइब है, लोग सब इन्जॉय कर रहे हैं, कॉर्नर्स पे खड़े हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, फैमिली चिल कर रही हैं, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस वाइब। मम्मी भी बोरी सही है यार, काफ़ी बढ़िया वाइब एंड फील है, आप भी इन्जॉय कर सकते हो। थोड़ा आगे से भी आपको शॉट्स दिखाएं, ये देखो ये देखो दोस्तों, सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जाता है, ये अगर जस्ट इन केस कोई मिसअप हो तो सेफ्टी के लिए बोट भी है। ये सामने जो आप देख रहे हो ये है नमो घाट, दिन में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ये जगह, आप चाहो तो यहाँ पे जाके बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। इस जगह का भी एक डेडिकेटेड ब्लॉग आने वाला है, गाइस थोड़ी देर के लिए आपके लिए बढ़िया बढ़िया फुटेज लेके, आई होप आपको फुटेज अच्छी लग रही हो, एंड ये एक्सपीरियंस जो हम कर रहे हैं ये भी अच्छा लग रहा हो। दोस्तों आप ये देखो, शाम को कितनी ब्यूटीफुल लग रही है जगह, लाइटें जलने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। मैंने भी कहीं वेब सीरीज में, पिक्चरों में बनारस देखा था, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि ये इतनी सुंदर जगह है हमारी काशी। दोस्तों आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, ये शिवजी की नगरी काशी आपको कैसी लग रही है ना, बहुत ही शानदार। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये घाट्स आ गए हैं, एंड यहाँ पे शाम को आरती वगैरह भी होती है। सो दोस्तों 80 घाट की वैसे कहा जाता है कि सबसे फेमस गंगा आरती है। दोस्तों ये देखो, यहाँ पे सारी क्रिमेशन होती है। सो दोस्तों यहाँ पे क्रिमेशन हो रही है, कहते हैं मोक्ष का द्वार है ये, एंड ये जगह जो है ये है मनी करने का घाट। फ्रेंड्स अगर गंगा आरती आप एंजॉय करना चाहते हो तो मैं तो आपको सीधा यही कहूँगा कि 80 घाट जाना, वहाँ पे सबसे बढ़िया गंगा आरती होती है। 80 घाट का हमने नाम ही लिया है, एंड ये देखिए हमारे सामने 80 घाट आ गया है, एंड आप यहाँ पे भीड़ देखिए, कितने लाखों में श्रद्धालु हैं यहाँ पे। दोस्तों अगर आप शाम को बोटिंग कर रहे हैं या आप क्रूज़ ले रहे हैं तो ये एकदम आपको 80 घाट के सामने ले आते हैं, जिससे कि आप सामने से भी गंगा आरती को एंजॉय करो, एंड आपको एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हो। आरती देखने के लिए लोग जा रहे हैं सारे। दोस्तों क्या आपको पता है, देश विदेश से लोग आते हैं गंगा आरती देखने के लिए, इतनी फेमस है गंगा आरती यहाँ की। एंड ये देखिए हमारे सामने एक बोट में शादी भी हो रही है। अलकनंदा क्रूज में हम हैं, बहुत ही शानदार एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस था, एंड हमारे साथ है भाई। भाई प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को आप अपना नाम बताएं एंड थोड़ा इस क्रूज के बारे में बताएं। माय सेल्फ कुंदन कुमार,
myself Kundur Kumar. I am the manager of this tour. Oh wow. And we have two bookings. We have two slots, one in the evening and one in the morning. And we run for 1.5 hours. And that time we cover the entire 84 ghats. And the evening time we used to cover the aartis. And right now you are seeing the aartis going on the Assi ghat. Also, we have covered the Aarti Dashashwamedh Ghat. If you like to tell you about the history of this ghat, that time you were saying that this just keys kind of Assi, that's why it is Assi. It's not like that. Achha. It's like to clear your mind. I thought Assi ghat part is, that's why Assi ghat is. Actually, we have 84 ghats. 84 ghats. It's nothing like about counting. This ghat is an Assi ghat just because we have a history behind that. If you heard about Shiv Puran or Garuda Puran, there is a script written over there that after killing Shum and Nishum, there are two demons. After killing Shum and Nishum, Odysseus Durga threw her weapon in this place. Oh. And that weapon named as Assi. Achha. From there a river has been emerged. And that river is known as Assi. So from where we have started our journey, na, that river comes to meet Ganga. Okay. And that's made that is considered to make the confluence of Assi and Ganga. And from we have taken the U-turn, na, there a river called Varuna. Varuna comes to meet Ganga. So the place, this is between the confluence of Varuna and Assi, is called Varanasi. Oh, very nice. That's how the name is given. Achha. So, and there is a ghat called Panch Ganga Ghat. That ghat is the midpoint of the Assi Sangam and the Varuna Sangam. So, that from that ghat, Panch Ganga Ghat, to this stretch, Assi stretch, this is called Shiv Kashi. You will meet maximum of Shavites who are the follower of Sri Bhagwan, and from that, Panchinga Ghat to Varuna confluence, that place is known as Vishnu Kashi. You will see the maximum temples of Vishnu and you will meet the maximum followers of Vaishnava. Okay. So this is how the small of the thing about Varanasi, I like to tell you. And काफी बढ़िया information दे रहे हो यार अब हमारे viewers को, I am sure. चलिए, you should subscribe this channel. Thank you. And the ma'am is also good. So thank from you. That place, if you visit that place is known as Panchinga Ghat. There you have seen the magnificent mosque that is called Alamgiri Mosque. Initially at that place, there is a temple used to be there. It's called the Bindu Madhav Temple. Initially what happened that Bindu Madhav was a sage who was doing a daily puja and ritual of Vishnu Bhagwan. So one day Vishnu Bhagwan comes and meet to him and told him that Adi Anant Kal Tak Tum Mere Bahut Bade Pupil Rahoge, Bahut Bade Mere Shishya Rahoge, Isliye Main Tumhari Mandir Ki Yahan Pran Pratishtha Karta Hu. So there is a temple is to be happen that is called Bindu Madhav Temple. And at a time, Us Mandir Ki Itni Yada Lok Priyata Thi Ki That Mandir Stands Parallel To Puri Ka Jagannath Swami. But when Aurangzeb comes to Varanasi and when he destroyed the main Vishwanath temple, after that he also destroyed that temple also. Oh. And at that place right now there is a mosque has been situated, that is called Alamgir Mosque. And just outside of the Alamgir Mosque, the temple has been situated. So just few days back we have the biggest festival of Kashi, that's called Dev Deepavali. Dev Deepavali. And that time Gurpurab bhi thi Monday, I think abhi jo Monday ko hua hai. Yes, yes, that is called Dev Deepavali. The very first diya of Dev Deepavali was written over there, and from there the Dev Deepavali started in whole of the Banaras. Kya baat hai. Wow, thank you. आपने बहुत ही यार बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमें दी हमारे व्यूअर्स को. व्यूअर्स, आई एम श्योर मेरे को भी इतनी सारी चीज़ें नहीं पता थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. गूगल में भी नहीं थी जितनी भाई ने बताई है. सो दोस्तों, ज़रूर आ रहे हैं इस क्रूज़ में, बहुत ही शानदार है, मज़ा आया. एंड भाई को भी ज़रूर मिलना, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको भाई को मिलके. सो थैंक यू. ये देखो, ये क्रूज़ बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है. वाह.